पर आज छठ का महापर्व है और ऐसे में पूरे उत्तर भारत में और खासतौर पे उत्तर पूर्व भारत के अंदर कई बड़े सभी क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में आनंद के साथ ये पर्व मनाया जाता है। मैं कहूँगा आज तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इस प्रकार के योग बनते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से लोग इस पर्व को मनाते हैं। इसका जो वर्णन है शास्त्रों में बहुत जगह मिलता है। छठ पर्व जो है विशेष तौर पर सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा का विधान है। सूर्यदेव को छठ मैया को समर्पित दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष तौर पे इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन दोनों की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। इसके अलावा छठ के दिन जो पूजा के नियम है उनका पालन करने से कौन कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देना ना किस प्रकार से देने जाना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, सामने दिखाई देते हैं, नित्यपति दर्शन देते ही देते हैं, जो पृथ्वी के समस्त जीव को जीवन का आधार माने जाते हैं। सूर्यदेव के साथ साथ छठ पर्व पर छठ मैया का पूजन करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार से छठ मैया जो है वो विशेष तौर पर दीर्घायु प्रदान करने वाली भगवती मानी जाती है, कात्यायनी का स्वरूप मानी जाती है। छठ पर्व का मुहूर्त जो है वो संध्या में विशेष तौर पर 30 अक्टूबर को संध्या के समय रहेगा। सूर्यास्त जो है दिल्ली में 5:37 पर होगा और 31 तारीख को उषा जो अर्घ है वो विशेष तौर पर 6:31 पर सूर्योदय हो रहे हैं। और छठ पर्व का उत्सव जो है वो 4 दिन तक चलने वाला पर्व माना जाता है। चार चतुर्थी से इसका विशेष तौर पर आरंभ हो जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से, और सप्तमी तक सुबह के अर्घ देर तक इसका पर्व मनाया जाता है। नहाए खाए सबसे पहले दिन को कहा जाता है, नहाए खाए उस दिन का मतलब ये होता है कि स्नान सुबह जल्दी करके पूरे घर को सफाई करें और मन को भी सात्विक चीज़ों में रखें, तामसिक चीज़ों को दूर करें मन से, और घर को पूर्ण स्वच्छता बना के रखने का, पवित्र बनाकर कार्य करने का प्रयास किया जाए। यानी सबसे पहले दिन अच्छे से पवित्र करके सात्विक आहार लेते हुए काम करने का प्रयास करें। दूसरा दिन जो है विशेष तौर पर वो जो कहा जाता है वो व्रत का पर्व है, खरना जिसको बोला जाता है। खरना जो है छठ का दूसरा दिन माना जाता है। इसका मतलब होता है पूरे दिन उपवास करने का पर्व। व्यक्ति खासतौर पर एक बूंद तक जल नहीं ग्रहण करता और संध्या के समय गुड़ और गुड़ से खीर बनाई जाती है, घी में लगी रोटी बनाई जाती है और फल का सेवन किया जाता है। साथ साथ जब प्रसादी विशेष तौर पर पूजन करने के उपरांत जो व्रती है उसको धारण ग्रहण करता है, फिर समस्त घर के जो लोग हैं उसको ग्रहण करते हैं। संध्या में विशेष तौर पर संध्या अर्घ का जो दिन होता है वो 3rd दिन का होता है। सोचे कि पूरे दिन रात्रि भर जब व्यक्ति दूसरे दिन व्रत रखा पूरे दिन और रात शाम को उसने ग्रहण अन्न किया और उसके बाद अगले दिन फिर सुबह जो है छठ के पर्व के दिन सुबह व्रत आरंभ हो जाता है, शाम के समय इस दिन अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व के दिन आज जो है विशेष तौर पर 3rd दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन संध्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने की सुंदर व्यवस्था चलती है। शाम के समय बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ इत्यादि, चावल के लड्डू इत्यादि, ये सब सूप में सजाकर साथ में दिया उपस्थित करके भगवान को अर्घ देने की व्यवस्था चलती है। पानी में खड़े होकर लोग शाम से ही पानी में खड़े हो जाते हैं और कई जगह ये प्रकार सुंदर व्यवस्था चलती है। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत दिन चलता है। रात्रि पर्यंत छठ का अर्घ देने के बाद रात्रि पर्यंत भगवान की उपासना, सूर्यदेव की उपासना, छठ मैया की उपासना, उनकी कथा का श्रवण किया जाता है और उषा अर्घ अगले दिन सप्तमी के दिन सुबह जब पुनः अर्घ उदित होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सप्तमी तिथि सूर्य की विशेष तौर पर मानी जाती है। यही सबसे विशेष अर्घ है। खासतौर पर 24 घंटे तक केवल निराहार रहते हुए, पानी का सेवन न करते हुए इस जो अर्घ दिया जाता है साधनारत रह के, इससे क्या होता है, इससे संतान को दीर्घायु प्राप्त होती, संतान की रक्षा प्राप्त होती। कथा भी इसी प्रकार से है। क्यों आरंभ हुआ इसको सतयुग के अंदर कथा मिलती है। कहा जाता है कि मनु के जो पुत्र थे उन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था, उनकी कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने जब विशेष तौर पर जब इस व्रत को किया जो तो भगवान के कहने पर, तब उसके प्रताप से उनको संतान प्राप्त हुई और जब संतान प्राप्त हुई तो वो जीवन नहीं था उसका, मृत्यु हो चुकी थी, यानी मृत बालक उत्पन्न हुआ था उनके घर। तब छठ मैया वहाँ उपस्थित होती है और उनके प्रताप से वो व्रत करते हैं और उनको दीर्घायु मिल जाती है उसको, विशेष तौर पर बालक को। छठ पूजा की विधि को पहले करने से पहले कुछ खास सामग्री की भी आवश्यकता होती है। सामग्री भी व्यवस्था कर लेने का प्रयास करना चाहिए, समझ जुटा लेना चाहिए, फिर सूर्य को अर्घ देने का विधान शास्त्र में बताया गया। बाँस की 3 बड़ी टोकरी, बांस के या पीतल के बने हुए 3 सूप रख सकते हैं, थाली रख सकते हैं, धूप और गिलास इत्यादि, चावल लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी इत्यादि, सब्जी इत्यादि, शकरकंद इत्यादि का उपयोग किया जाता है, नाशपति, बड़ा, नींबू, शहद, पान, साबुत, सुपारी इत्यादि, कलावा इत्यादि, कपूर, चंदन, इन सब चीज़ का उपयोग किया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मालपुआ से बनी खीर पूड़ी इत्यादि समस्त ये सब चीज़ें लड्डू बनाकर ही इस सुंदर व्यवस्था को करने का प्रयास करना चाहिए और कल्याण के योग बनने चाहिए।